बाल बुद्धा की यहाँ सामने प्रतिमा बनाई गई है। अभी ये सब डेवलप किया जा रहा है, डेवलप हो ही रहा है। मैं लगातार 2010 से यहाँ पर आ रहा हूँ, लेकिन जब जब आया हूँ कुछ ना कुछ बदला नज़र आया है। इसी तरह हम चाहते हैं अपने भारत के सरकार से और राज्य सरकार से जो पर्यटक स्थल है भगवान बुद्ध की धम्म स्थली, उसको भी कुछ लुक हर तरह के बदला जाए, क्योंकि बाहर से सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। जैसे यहाँ पर विदेशी पर्यटक आते हैं, भारत से नेपाल में आते हैं दर्शन करने के लिए, तो हर साल कुछ ना कुछ बदला नज़र आता है। उसी तरह हम चाहते हैं कि कुशीनगर आपका श्रावस्ती हुआ, सारनाथ हुआ, कपिलवस्तु हुआ, बिहार में बोधगया हुआ, जहाँ जहाँ भी भगवान बुद्ध के स्थल हैं वो सब डेवलप करके उसको ऐसा बनाया जाए ताकि सरकार का उसमें लाभ ही है, नुकसान नहीं है। क्योंकि विदेशी पर्यटक आएंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ पर टिकट लगाया गया, उससे देश का समाज का उन्नति होगी, विकास होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि अपने भारत देश में भी इसी तरह डेवलप किया जाए, क्योंकि ये डेवलप यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर देखिए तमाम दर्शक लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए दूर दूर से, और ये हम आपको दिखा रहे हैं कितनी खूबसूरत है यहाँ पर लुम्बिनी नेपाल में। ये आपको हम अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं इस जगह को। ये आपका देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर ये देखिए, जय भीम 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 जय भीम। नमो बुद्धाय। नमस्कार। नमस्कार। आप लोग किधर से आए हैं? हम नेपाल से। नेपाल से? नेपाल के बर्दिया जिला से। बर्दिया जिला से। यहाँ के बारे में कुछ जानकारी आप बताएंगे? उतना सारा जानकारी तो हमें भी नहीं है। अच्छा, ऐसे टहलने घूमने के लिए? टहलने घूमने के लिए, स्टूडेंट लोग को घुमाने के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हम टीचर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा। और यहाँ लुम्बिनी क्षेत्र है, बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी। अब आप टीचर हैं, हाँ। टीचर को तो इतना ज्ञान होना चाहिए, हाँ। कि भगवान बुद्ध के जन्म स्थली है, हाँ, भगवान बुद्ध ने यहाँ कब पैदा हुए थे, उनके जीवन पर कुछ ना कुछ तो आपको जानकारी होना चाहिए। आप 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध के यहाँ जन्म हुआ था।